नमस्कार, मेरा नाम नीची है। मैं SPYM सेंटर दिल्लीगेट में एज अ काउंसलर पोस्ट पे जॉब कर रही हूँ। कुछ समय पहले हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए थे जिसमें बच्चे ने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई थी। इसी तरीके से हम अब आपके सामने एक नई कहानी लेके आए हैं जिसमें एक बच्चा जो कि 7 साल का है वो किस तरीके से नशे की लत में रहा, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड था, किस लिए उसने नशा लेना स्टार्ट किया। मात्र 5 साल की उम्र से उस बच्चे ने नशा लेना स्टार्ट किया था। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनका भाई एक ड्रग सेलर है जिसमें उन बच्चे ने बताया था कि भाई गांजा बेचता है जिससे पारिवारिक सुविधाएं पूरी की जाती हैं। पिता की कुछ समय पहले डेथ हो गई थी। माता अकेली हैं, माता कूड़ा बीनने का काम करती हैं। बच्चे के अकॉर्डिंग यदि हम लोग पारिवारिक व्यवहार की बात करें तो जो बच्चे की बहन है वो भी ड्रग एडिक्टेड है, वो भी नशा लेती हैं। तो माता ने बच्चे की सुविधा को देखते हुए या बच्चे की भविष्य को देखते हुए SPYM सेंटर जो कि दिल्ली गेट में स्थित है, जो कि 7 साल से 17 साल के बच्चों के लिए नशा मुक्त करवाता है, वहाँ पे एडमिट करवाया। वहाँ से बच्चे ने 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद कि कैसा उसका व्यवहार रहा यहाँ पे, किस तरीके की यहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान उसकी जर्नी रही है, आइए सुनते हैं बच्चे की कहानी बच्चे की जुबानी। मेरा नाम है, मैं सीमापुरी में रहता हूँ, बीचोट मस्जिद। मेरा उम्र 8 साल है। जब मैं 5 साल का था मेरे को नशा करने की आदत लग गई। मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, मैं ट्यूशन जाता था, वहीं पर ही पढ़ता था मैं। हाँ, दोस्त मिले थे मेरे को, मैं दोस्तों के साथ घूमता था ना, वो नशा करता था, मेरे को पता नहीं था। तो फिर मैं घूम घूम के उनके साथ ही देखते ही वो नशा कर रहे थे। मैं बोला था ये क्या भाई, बोले पी के देख ले मज़ा आएगा। फिर मैंने पिया, फिर नशा करने लग गया मैं। फिर वही यार दोस्तों के साथ रहने लग गया, फिर नशा करके यहाँ पर आ गया मैं। दिल्ली गेट SPY हूँ। मेरी मम्मी है, भाई है और छोटी सी भांजी है। पापा नहीं है, पापा ख़त्म हो गए थे जब मैं छोटा था। मम्मी काम करती है, कपड़े बुनती है। मेरा भाई गांजा बेचता है। बहन की शादी हो गई, एक बच्चा है छोटा सा, और उस बहन छोड़ के चली गई, नशा करने लगी है। और भाई गांजे का काम करता है, गांजा बेच के मम्मी को पैसा देता है। मम्मी कवाड़ा बीनती है, कवाड़े बीन के हमें पालती है। मैंने बीड़ी पिया था, फिर उसके बाद मैंने गांजा शुरू कर दिया था। 3 बारी गांजा पिया था, फिर गांजे के बाद दारू पिया था 2 बारी, बस खाली बीड़ी पीता था। तो मैं कवाड़ा बीन के बेच के नशा करता था उसी से। मेरे को 3 महीना हो गया, पढ़ाई अच्छा लगता है, यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं इसलिए अच्छा लगता है। और सुबह नहाते हैं टाइम से, और टाइम से खाना पीना, नहाना धोना। और मैम पढ़ाती है, ड्राइवर से एक्सरसाइज भी करवाते हैं, पढ़ाई होता है, गिनती भी होती है। गिनती सीखाऊँ, लिखना भी नहीं आता था मेरे को। चिकन मिलता है, अंडा मिलता है। सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद फिर नीचे आते हैं, पहले थोड़ी देर बैठते, फिर नाश्ता होता है, दूध ब्रेड मिलता है, अंडा भी मिलता है, केला भी मिलता है। मेरे को रात में चिकन मिलता है और दिन में दाल चावल, पनीर भी तो मिलता है। यहाँ से जाके नाम लिखाऊंगा, नाम लिखवाने बोलूँगा, मम्मी नाम लिखवाएगी। नाम लिखाने के बाद स्कूल पढ़ूंगा, पढ़ के अच्छा इंसान बनूंगा, अगर नशा नहीं करूँगा, मम्मी की बात मानूंगा, मम्मी जैसे बोलेगी वैसे करूँगा। अगर नशे की तरफ दोबारा मन करेगा तो मम्मी के काम में हाथ बटा दूंगा, नशे की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा। और दूसरों को भी बोलूँगा भाई नशा मत करिए, दोस्तों को भी बोलूँगा, मानेंगे सही है, नहीं मानेंगे कोई बात नहीं। जैसे कि अभी आपने सुना बच्चे की कहानी बच्चे की ज़ुबानी, बच्चे ने बताया वो कभी स्कूल नहीं गया है लेकिन उर्दू सीखने के लिए वो मदरसा जाता था, लेकिन एडिक्शन में जब से बच्चा आया था तब से उसने वहाँ पे भी अपना प्रतिक्रिया दिखाना बंद कर दिया था। मात्र 5 साल की उम्र से यदि कोई बच्चा नशा ले रहा है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमी निकल के आई है पारिवारिक माहौल की। यदि घर में ही भाई ड्रग सेलर है तो बच्चा कहाँ तक अपने आप पर कंट्रोल करेगा। बच्चे ने बताया जहाँ पे बच्चा रह रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ख़राब है, नॉर्मल भाषा में बात करें इतना ख़राब है कि हर एक तरीके का ड्रग मिलना बहुत आम बात है। और बच्चे ने बताया कि वो नशा ख़रीदने के लिए कूड़ा बीनता था या फिर कहीं से छोटी मोटी चोरी कर लेता था इस तरीके से। तो बच्चे ने अपनी जर्नी बताई किस तरीके की उसकी यहाँ पर आने की प्रतिक्रिया रही, कैसे क्या उसके यहाँ पर SPYM सेंटर दिल्ली गेट की जर्नी रही है। इन फ्यूचर बच्चा क्या कर रहा है, क्या करेगा जाके, ये सब भी आपको आपके सामने बच्चे ने बताया है। इसी तरीके से हम लोग और भी नए नए आपके सामने बच्चों की स्टोरी लेके आते रहेंगे। सोसाइटी से हम लोग यही आशा करते हैं कि
ऐसे इन्वायरमेंट में आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि जब तक हम लोग एकजुट होकर नशा मुक्त के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक ना चाहते हो भी ना जाने कितने बच्चों का भविष्य नशे से जुड़कर खराब होता रहेगा। हम लोग मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, बच्चे की कहानी, बच्चे की जुबानी।